अवतारो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपी सह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसी देवी प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म दितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सतय श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सतय श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान अजन्मा है, भगवान अजन्मा है, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन अजो अभिसन्न अपय आत्मा भूताना अपि ईश्वर अभिसन्न प्रकृति समधिष्ठाय संभवामी आत्मा है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैं अजय हूँ, मेरा जन्म नहीं है, लेकिन मैं अजय होते हुए भी जन्म लेता हूँ। बोले क्यों लेता हूँ जन्म, कारण क्या है? कहते अनुग्रह भक्ता नाम करोमी विविध क्रिया। अगर भगवान जन्म नहीं होते, हम जो इतने सुंदर सुंदर ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर शिक्षाओं को सुन रहे हैं, ये थोड़ी शिक्षा हम फिर बैठ कर सुनते, फिर तो हम घर में बैठे करके अपना घर गृहस्थ की अपना दुनियादारी की हम बात करते, फिर तो हम भगवान की कथा ही नहीं सुनते। इसलिए भगवान किसलिए भगवान जन्म हुए, बोले अनुग्रह या भक्ता नाम प्रभु अनुग्रहाय भक्तानाम, कहते भक्तों को अनुग्रह करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जह व्यतीत ततः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मम नैति मामेति स्वर्गम। कहते हैं अर्जुन मेरा जो जन्म कर्म है ये दिव्य और अप्राकृत ये अवलौकिक है। अगर ये चीज को कोई सही सही समझ लेना फिर तो संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता है। लेकिन साधारण लोग क्या कहते, अरे कृष्ण जैसे जन्म हम जैसे जन्म हुए, कृष्ण तो वैसे जन्म हुए ना, कृष्ण तो वैसे जन्म हुए, साधारण लोग ये कहते हैं ना। और विशेष करके तो नारायण भगवान है, क्योंकि वो अजन्मा है, वो सत्य युग से ना, उनका नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुई, ब्रह्मा से सृष्टि हुआ है। और कृष्ण तो ये द्वापर युग का है कृष्ण, और उनसे तो राम बड़ा है, क्यों? राम तृतीय युग का है, इसलिए पहले हरे राम होनी चाहिए, उसके बाद में हरे कृष्ण होनी चाहिए। इसलिए विभिन्न लोग इस विषय पर विभिन्न विभिन्न तरह तरह का तर्क वितर्क तरह तरह का जगत में संशय लोगों का है। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन अगर ये चीज को वास्तव रूप में कोई समझ ले फिर तो जन्म ले है? फिर वो व्यक्ति संसार में जन्म ग्रहण नहीं करता है। इसलिए भगवान विभिन्न कारणों को लेकर के भगवान इसी जगत में जन्म लेते हैं, और एक काज करे ने प्रभु काज करे 5 साल। देखने के लिए तो भगवान कोई काम करते हैं,
लेकिन भगवान एक काम को साथ में पांच सात काम उसमें एक साथ में करते हैं एक काम के लिए, लेकिन उसमें सात काम एक साथ में हो जाता है। इसलिए कल हम लोग भगवान अजन्मा होते हुए भी जन्म उन्होंने क्यों किस लिए क्या कारण से भगवान हुए, इसलिए आज हम सुनेंगे कैसे ये जो रामायण है ये एक संवाद नहीं बहुत सारे संवाद है। साधारण रूप में हम क्या देखते हैं, श्री वाल्मीकि ने रामायण को रचना की, वाल्मीकि ने, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यही वाल्मीकि ही कहते गोस्वामी तुलसीदास रूप में दो बार फिर जन्म ग्रहण किया। बोले क्यों जन्म ग्रहण किया, कि जो वाल्मीकि रामायण है उसमें वो संस्कृत में, वो संस्कृत में, लेकिन ये जो राम राम की जो कथा ये सर्व साधारण व्यक्ति को पास में पहुंच जाए, आम से आम व्यक्ति भी ये ग्रंथों को पढ़ सके, कहते कहते वही वाल्मीकि ही पुनः श्री तुलसीदास गोस्वामी श्री तुलसीदास रूप में फिर आए, आ करके उसको बड़े सरल रूप में फिर प्यार का छंदबद्ध करते हुए उन्होंने श्री रामचरितमानस को फिर उन्होंने लिखे। इसलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं ये ग्रंथ को सर्वप्रथम किसने रचना किया है, बोले शंकर जी ने सबसे पहले शंकर जी ये ग्रंथ को रचना करके अपना हृदय में शंकर जी ने रखा है, फिर वो ग्रंथ को दो बार श्री वाल्मीकि ने फिर जो उन्होंने लिखा कहते बाद में उन्होंने सब लीलाओं को दर्शन करते हुए ये वाल्मीकि ने लिखा, लेकिन इसका बहुत सारे संवाद है, एक संवाद नहीं इसकी बहुत सारे इसकी संवाद है, इसलिए उसमें एक संवाद है। कहते जो कथा है कहते श्री नारद जी ये चतुष्ण को कथा सुनाए, इसलिए अब देखो ये नारद जी हैं भागवत का मूल कारण कौन है, अगर देखा जाए तो भागवत का मूल कारण कौन है, कहते श्री नारद, ये नारद आचार्य है, यार नारद जी ये आचार्य है, इसलिए इनका नाम नारद है, है? कहते नारद जो कभी रद्द नहीं होते, कहते नर मतलब होता है ज्ञान, द मतलब सबको जो ज्ञान प्रदान करते हैं, नर मतलब होता है आसक्ति, द मतलब होता है आसक्ति को जो नष्ट करते हैं खंडन करते हैं, नर मतलब होता है रस है, द मतलब सबको जो रस प्रदान करते हैं, हैं? इसलिए सबको ज्ञान रस भक्ति हैं प्रेम और सबको देने वाले श्री ये नारद जी है, इसलिए कहते भागवत का भी मूल आचार्य श्री नारद ही है, और नारद जी कौन है, कहते ये भक्तावतार, श्री नारद जी भगवान का भक्त अवतार है नारद जी, इसलिए 26 अवतार में श्री नारद जी है, कहते तीसरा अवतार में तीसरा अवतार में श्री नारद जी की भागवत में इनकी भक्तावतार रूप में नाम आता है, इसलिए भागवत ग्रंथ कैसी रचना हुई, कहते नारद जी ही ये भागवत ग्रंथ को रचना करने के लिए कभी कैलाश में पहुंचे, और कैलाश में पहुंचते हुए उस समय शंकर जी कहीं सत्संग में गए हुए थे, और वहां पर उन्होंने जाकर के माता जी को हैं जाकर के बोले माता जी ठीक ठाक हो, बोले बेटा हम तो कुशल मंगल है, हैं हम तो कुशल मंगल है, कहते भैया कुशल मंगल कैसे हो, बोले देखो वही स्त्री सुहागिनी जिसको पति प्रेम करता है, शंकर जी मेरे को बड़े प्रेम करते हैं, बोले प्रेम कैसे करते हैं, क्या खिला पिला करके कपड़ा लता दे करके, बोले नहीं कहते कहीं से अगर वो सत्संग सुन करके आते हैं सबसे पहले सत्संग की कथा मुझे सुनाते हैं, इसलिए शंकर जी मेरे को बड़े प्रेम करते हैं, बोले प्रेम तो करते हैं लेकिन आपको ऊपर ऊपर से प्रेम करते हैं और अंदर अंदर से नहीं करते, बोले नारद जी और आगे मत बढ़ा करो, बोले क्यों, बोले मैंने सुना अब जहाँ जाते हो झगड़ा क्या लगा, भैया हमारे यहाँ पर तो सब बहुत प्रेम है, है? यहाँ पर तो इतने प्रेम जो भी सोच नहीं सकते हो, बोले कैसे प्रेम है, कहते शंकर जी की बहन कौन है, शंकर जी का बहन कौन है, कौन बहन है, नंदी, कहते देवी का बहन कौन है, शेर, शेर का आहार कौन है, नंदी बैल, लेकिन यहाँ पर बैल
इतना प्रेम है बैल शेर का, है गोद में सर रख करके सोता, इतना प्रेम ही यहाँ पर। कहते कार्तिक का वाहन कौन है? मोर। शंकर जी का श्रृंगार कौन है? सर्प है, सारा शरीर में सर्प है। सर्प कहते ये मयूर का आहार कौन है? सर्प। लेकिन वहां पर दोनों मुंह में दोनों चुंबन करते हैं दोनों दोनों को। गणेश जी का वाहन कौन है? चूहा। शंकर जी का अलंकार कौन है? सर्प। लेकिन सर्प का आहार कौन है? चूहा। लेकिन वहां दोनों में चुंबन करते हैं वहां पर, हैं? इतने प्रेम उनके अंदर में, इतने प्रेम उनके अंदर में, हैं? कहते वहां पर सबको जो विरोधावास है सबके अंदर में बड़े प्रेम है। यहाँ पर कोई कलह, यहाँ पर किसके अंदर में कलह नहीं, यहाँ बड़ा प्रेम है। लेकिन नारद जी कहते प्रेम तो करते हैं लेकिन ऊपर ऊपर से करते हैं, अंदर अंदर से करते नहीं। बोले कैसे? बोले शंकर जी के गले में एक मुंडे की माला देखा है वो। बोले हाँ। बोले बता सकते हो शंकर जी मुंडे की माला क्यों धारण करते? कभी बात बताए? अगर प्रेम करते ही बात बताए? बोले नहीं बताया था नहीं कभी। बोले इसीलिए तो बोलता हूँ आपको, ऊपर ऊपर से करते हैं अंदर अंदर से नहीं करते। बात झगड़ा तो लगा दिया उनके अंदर। बोले आज जब शंकर जी आए ना, आज मान भवन में लेट जाओ और उनको तभी प्रश्न करना जब वो तीन बार कसम खिला करके, तभी शंकर जी बोलेंगे, नहीं तो बोलेंगे नहीं। बस वहां से तो भाग गए नारद जी। जब उन्होंने शंकर जी आए देखा महापार्वती तो मान भवन में लेट हुई। शंकर जी जब उनको शरीर पर हाथ रखा उन्होंने हाथ को फेंक दिया। बोले क्या बात है? बोले मैं तो पहले सोच रही थी आप भोले बाबा, लेकिन निकले तो बड़े कपटी बाबा। बोले कैसे? बोले आप तो अंदर की बात मेरे को कुछ बताते नहीं, ऊपर ऊपर की बात बताते हैं। बोले भैया कौन सा अंदर की बात है, कौन सा अंदर की बात? बोले पहले तीन बार कसम खाओ। मैं नारद जी का पक्का चेली हूँ, पहले तीन बार कसम खाओ है। फिर जब उन्होंने तीन बार कसम खाई बोले बताओ आपकी गला में जो मुंडे की माला किसकी है, क्यों धारण कर रहे? बोले ये मुंडे की माला तेरी है। बोले मेरी? मेरे सर था, मेरे शरीर में, आपकी गले में कैसे आ गया? बोले पार्वती पूर्व जन्म की बात तुम्हें पता नहीं, पूर्व जन्म में तुम सती थी, कभी तुम्हारी पिताजी मेरे को अपमान की तो इसलिए तुमने कनखल में अपना शरीर त्याग दी। एक जन्म नहीं कितने जन्म से हैं तुम ये शरीर छोड़ रही हो और तुम मेरी बड़ी प्यारी हो, बड़े प्रेम से कथा सुनती हो। जब जब तुम शरीर छोड़ती हो तब तक मैं क्या करती हूँ, तुम्हारे मुंडों को गले में माला रूप में धारण कर लेती हूँ। पार्वती बोली प्रभु पहले मैं तो सोच रही थी छोटी मोटी कोई कपटी हो गई, अभी तो बहुत बड़े कपटी निकले। बोले क्यों? बोले ये बताओ ऐसे कौन सा अमर बोटी को आपने पान करके रखे जो मर नहीं रही, अभी मरती जा रही है? तो बोले ये श्रीमद भागवत कथा। बोले मेरे को भी कथा सुनाओ। बोले चलो तुमको मैं अमरनाथ में कथा सुनाऊंगा। इसलिए उन्होंने अमरनाथ में ये भागवत कथा सुनाए, इसलिए भागवत का एक नाम अमर कथा है। इसलिए भागवत का मूल सूत्रपात करने वाले कौन है? नारद जी। नारद जी कहते ये कहते रामायण कहते भागवत का आचार्य नारद जी कहते ये नारद जी फिर ये नारद जी कहते रामायण कौन किसको सुनाए? इसका भी मूल सूत्रपात वाल्मीकि को बदलाने वाले कौन है? नारद जी बदलाए। फिर उन्होंने कहती जो कथा उन्होंने चतुष्सन को नारद जी, ये चतुष्सन को रामायण सुनाए हैं, ये चतुष्सन को ये रामायण सुनाए। ये वाल्मीकि रामायण में चतुष्सन को बोले कैसे कहाँ उनकी भेंट हुई? बोले बोले एक समय कहते श्री मेरु प्रदेश मेरु उपत्यका में भागीरथी अलकानंदा वहां पर बह रही, बहते समय उसमें की धारा है जिसका नाम सीता धारा। कहते एक समय चतुष्सन ये सीता धारा में चतुष्सन स्नान कर रहे थे, बड़े प्रसन्न होकर। बोले क्यों? बोले ये अलकानंदा कौन? बोले भगवान की चरणामृत है, ठाकुर जी की चरणामृत है। और बड़े प्रसन्न होकर के स्नान कर रहे थे। क्यों? भगवान की चरणामृत में स्नान कर रहे हैं। चरणामृत कितने महिमा कहते ना, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पाद तकम विद्वा शिरसधारणम।
ये चरणामृत का ये श्लोक है। यदि जो अकाल मृत्यु को हरण करने वाले, सारे व्याधियों को दूर करने वाले, और क्या करो उसको लेकर के अपना सर पर धारण करनी चाहिए। इसलिए चरणामृत में स्नान कर लेते प्रसन्न होकर के, हमारे अहो भाग्य है चरणामृत में हम स्नान कर रहे हैं। लेकिन जब चरणामृत में स्नान कर रहे थे, ठीक उसी समय में श्री नारद जी वीणा बजाते बजाते कहते भगवान की नाम कीर्तन करते करते, बोले कौन सा नाम ले रहे थे, कहते नारद जी, सब लीला में नारद जी, रामलीला जब है, रामलीला में वहां पर भी नारद जी है, कृष्ण लीला में भी नारद है, नारायण की लीला में भी नारद है, और महाप्रभु लीला में भी नारद। महाप्रभु लीला में कौन है, कौन है ये, कहते श्रीवास पंडित है। इसलिए कहते श्री नारद जी रघुपति राघव राजा राम अपतीत पावन सीताराम, जब कृष्ण लीला में होते हैं नारद मुनि बाजाए वीणा राधिका रमण नाम, जब महाप्रभु लीला में होते हैं सचिन नंदन गौर हरि की जय। इसलिए श्री नारद जी बिना बजाते बजाते श्री नारद जी आ गए, जब आ गए चतुसंत बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह आज मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि हम स्नान कर रहे थे किसमें, बोले सीता धारा में, अलकानंदा गंगा में स्नान कर रहे थे चरणामृत में। कहते चरणामृत में स्नान करने का फल क्या है, बोले भक्त दर्शन है। जीवन का अगर सबसे बड़ा कोई सौभाग्य वस्तु है, जब जीवन में कोई साधु संग दर्शन हो, जीवन में कितना दुर्लभम, मनुष्य देहम देहिनाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभम अन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। इसलिए कहते भगवत दर्शन से भी कहते जो भक्त दर्शन है वो ज्यादा दुर्लभ भक्त दर्शन है। इसलिए जब जीवन में भक्तों का दर्शन हो जाए हैं, इसलिए बोले भवा अपवर्ग भ्रमेत जदा जनस्य तहीर अच्युत सत समागम, सत समागम जहीर परावरे से जाए तो ही रोती। तब जीवन में भक्तों का दर्शन कब मिलता है, कब मिलता है भक्त दर्शन, बोले जीवन का समस्त दुख कष्ट, जब जीवन का सारे दुख कष्ट समाप्त हो गया और हमें ये संसार में आना नहीं पड़ेगा, ये समय आ गया भगवत धाम प्राप्ति करने का समय आ गया है, तभी जीवन में बोले तहीर अच्युत सत समागम, तभी जीवन में संतों का दर्शन भक्त दर्शन तभी मिलता है। और भक्त दर्शन होने से क्या हो जाता है, बस सत्संग हरि कथा, और हरि कथा सुनते सुनते भगवान की चरण में रति प्रेम, बस भक्ति रति भक्ति प्रेम अनुक्रम से धीरे धीरे श्रद्धा रति भक्ति धीरे धीरे प्रेम प्राप्ति है। इसलिए चतुस्थान जब देखा था नारद जी का दर्शन हो गया, बोले वाह आज गंगा स्नान करने का जो असली फल है, आज जीवन में हमें गंगा स्नान करने का हमें फल मिल गया, क्यों जीवन में नारद जी से भक्त का दर्शन हुआ है, हैं भक्तों का दर्शन हुआ है। इसलिए तब उन्होंने श्री नारद जी को दर्शन करते हुए तब उन्होंने भगवान राम की कथा सुनाई। देखो यहाँ पर एक बात बताए, कहते भागवत का जो पद्म पुराण में वहां पर कौन किसको कथा सुनाए, वहां पर जिस समय ये ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए थे और नारद जी ने कोशिश किया उनको चेतनता दिलाने के लिए, उन्होंने उनको वेद उपनिषद समस्त ग्रंथ, उनको सारे ग्रंथ एक एक करके उनको कान में जोर जोर से उन्होंने सुनाए, लेकिन उनको चेतनता नहीं हुई। लेकिन जब उन्होंने भगवत गीता सुनाए, थोड़ी सी आंख तो खुले, कोशिश तो किया बैठने के लिए, लेकिन जब गीता खत्म हो गया धड़ाम करके गिरे। नारद जी ने देखा गीता भी इनको सुना दिया, कहते जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मम विनिर्सित, जो भगवान की मुख निश्रित वाणी ये भगवत गीता में, इनको भगवत गीता तक भी सुनाई, लेकिन गीता सुना करके भी इनका चेतनता नहीं हुई, कैसे होगा। फिर उन्हें व्याकुल हो गए, उन्हें व्याकुल हो गए, समस्त दुनिया में जा जा करके एक एक कर पूछा, मठ मंदिर ऋषि मुनि सबसे जा 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 करके पूछा, लेकिन इसका सटीक उत्तर किसने नहीं दे सका। लेकिन जब ये चतुसन से मिले, जब चतुसन से मिले, चतुसन बोले ये तो साधारण बात है, बड़े साधारण बात है,
सारा दुनिया को मैंने पूछ लिया, कोई सही सही उत्तर नहीं दे पाए। आप कह रहे हो साधारण बात है, हैं? बोले साधारण बात कैसे है? बोले नारद जी आप क्या भूल गए हो? बोले किस चीज की? बोले जिस समय व्यास देव ने सारे ग्रंथों को रचना करने का बावजूद भी उनको संतोष नहीं मिला, आप ही तो बताए थे इनको भागवत सुनाने के लिए। बोले हाँ। बोले इनको भागवत सुनाओ, इनको भागवत कथा सुनाओ। भागवत कथा से ही ये ज्ञान वैराग को पूर्ण चेतनता ये भागवत कथा समझेगा। फिर उन्होंने बोले आप ही कथा सुना दो, आप ही ये कथा सुनाओ। फिर चतुसर ने किसको कथा सुनाए? नारद जी को कथा सुनाए। कहाँ पर? गंगा किनारे में, हरिद्वार में गंगा किनारे में उन्होंने उनको भागवत कथा सुनाई है, भागवत कथा सुनाई। इसलिए ये चतुसर कभी किसको कथा सुनाए? नारद जी को। और ज्ञान वैराग्य भक्त देवी बस समस्त ऋषि मुनियों को, समस्त देवताओं को कहते आनंद नाम धाक पर उन्होंने ये भागवत कथा सुनाई, चतुसर ने सुनाई। लेकिन यहाँ पर कौन किसको कथा सुना रहे हैं? यहाँ पर नारद जी ये चतुसर को कथा सुना रहे, और वहां पर चतुसर नारद जी को कथा सुना रहे। कहते इसमें शिक्षा का विषय क्या है? कहते इसमें शिक्षा क्या है? कहते इसमें ये शिक्षा ये दे रहे हैं, कहते जो भगवान की जो कथा कैसे सुननी चाहिए, कहते कथा अज्ञानी बनकर सुननी चाहिए, ज्ञानी बनकर के कथा नहीं सुननी चाहिए है? कहते अगर ज्ञानी बनकर कथा सुनेंगे ना भैया कथा में आनंद रस नहीं आएगा। कहते अज्ञानी बनकर कथा सुनो। बोले हनुमान जी कौन है? बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी को बताए, हनुमान जी कौन है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी। लेकिन ज्ञानियों में अग्रगण्य होते हुए भी हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी बोले जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम है, तत्र तत्र कृत पुस्तका जगी बाष्प बारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमंते राक्षसम। इसलिए बोले जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां पर जितने स्थानों में ये राम कथा होती है, राम कथा हनुमान जी उतना रूप धारण करते हैं, और उतना रूप धारण करते हुए क्या करते हैं? कथा से सबसे पहले श्री हनुमान जी पहुंचते हैं, सबसे पहले कथा में बैठ जाएंगे और क्या करेंगे? कथा के सबसे पीछे बैठेंगे। कथावाचक, सुनने वाले, कथा स्थली सबका हनुमान जी प्रणाम करेंगे। और कथा कैसे सुनेंगे? हाथ जोड़ करके पुलकित होते हुए, गदगद होते हुए जब कथा सुनते हैं, उनका आंखों से आंसुओं की झरी बहती है, उनकी आंखों से आंसुओं की झरी बहती है, क्योंकि रसास्वादन करते हैं। और कथा कभी पुरानी होती नहीं, कथा कभी पुरानी नहीं होती है, है? इसलिए हम रोज रोज रोटी चावल खाते हैं ना, अगर एक टाइम अगर रोटी चावल नहीं मिले, बोले हाय रोटी, हाय रोटी, हाय चावल, दिन भर हमने रोटी का मुंह नहीं देखा, दिन भर चावल नहीं खाए, हैं? और एक दिन अगर नहीं मिले तो पागल हो जाए, भाई सारा दिन हमें अन्न ही नहीं मिला, सारा दिन हमें अन्न ही नहीं मिला सारा दिन। भैया अन्न में अगर इतना रस हो सकती है, गुरुदेव कहते अरे कथा में रस नहीं करे, अरे कथा में क्या, कथा में फिर रस नहीं है? इसलिए कहते भैया कथा में सबसे ज्यादा रस किस में है? भगवान की कथा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले राम कथा जय सुना ता अघाई, रास विशेष जाना तो तीनी नाई। अगर कोई कहता है अरे कथा कितना सुनेंगे, हाँ और एक ही बात है, सुनते सुनते हम तो बोर हो गए, सुनते सुनते हाँ बोर हो गए, कितना कथा सुनेंगे? तो गोस्वामी जी कहते हैं कथा राम कथा जयी सुनत अघाई, मतलब कथा सुनते सुनते जो कहते हम कथा सुनते बोर हो गए, कहते रस विशेष जानत तिनी नाही, कहते रस क्या चीज है उनको इस बारे में पता नहीं। इसलिए पृथ्वी महाराज जी भगवान जब बोले पर मांगो, क्या मांगते हैं? बोले प्रभु 10,000 हमें कान दे दो। कितना कितना कान दे दो? बोले 10,000 क्या करो, दो कान तो बढ़िया लग रहा है,
अगर यहाँ दो हो जाए, यहाँ दो, सारा शरीर में कान ही कान हो जाए, थोड़ी अच्छी लगेगी है? इतने कान थोड़ी अच्छी लगेगी, तुम 10,000 कान क्यों मांग रहे हो? बोले प्रभु जी कान तो दो ही हो, लेकिन ये दोनों कानों में इतने कृष्ण कथा सुनने की, इतने उतने इतना उत्कंठा हो, 10,000 कानों में जितने शक्ति उतना शक्ति दोनों कानों में हो जाए है? और दूसरा बात कहते हैं, बोले जैसे यहाँ कथा हो रही है, कथा और भी तो कहीं कहीं कथा होती होगी ना, कथा और कहीं भी होती होगी, बोले कहीं की कथा मेरी चुप नहीं जाए, मेरी कथा कहीं कथा मेरी चुप नहीं जाए, कथा मेरी कहीं मिस नहीं हो जाए, जहां जहां कथा हो मैं उतना रूप धारण करते हुए मैं अलग 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 जगह पर सब जगह पर मैं कथा सुन सकूं, इसलिए मेरे को 10,000 काटते। और रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, करना करो कड़म नहीं घटे थे, करना देव से प्रिया हमको तो करो करो कांटे दो है। इसलिए कहते भगवत कथा सुन करके किसको कभी अरुचि नहीं होती है, इसलिए चतुसंत कभी चतुसंत कथा सुनाते हैं और नारद श्रोता है कभी नारद जी कथा सुनाते हैं, और श्रोता कौन होते हैं, चतुसंत होते हैं है? लेकिन ये क्या कथा, ये कथा है, इसलिए इसका मतलब है वो जो कथा सुनते हैं अज्ञान मिलकर कथा सुनते हैं और कथा में कभी है और रुचि नहीं होती है, जितने कथा सुना उतने उसमें आनंद रस, उसमें इतना रस, उसमें इतना आनंद होता है। बोले एक समय हमारे जो राजेंद्र दास है ना, वो कई कथा सुना रहे थे, और कथा सुना सुनाते बोल रहे थे कि जो जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, एक श्लोकों को कभी वो व्याख्या कर रहे थे है, तो उन्होंने एक अच्छी कथा सुनाई। बोले एक समय, बोले एक समय भगवान राम हनुमान जी को बोले, बोले हनुमान जी बीच बीच में थोड़ी सी कथा भी सुनने के लिए कहीं जाओ है, जब कहा गुरु सुनने कथा सुनाते तो कथा सुनने के लिए कभी कभी जाया करो। हनुमान जी बोलते थे प्रभु कथा सुनने का क्या जरूरत है, कथा में क्या होता है, भगवान का नाम लो, भगवान की कीर्तन करो, भगवान की सेवा करो, कथा में तो यही होती है ना, और तो कुछ होती नहीं। बोले हाँ, बोले ऑलरेडी तो मैं कर ही रहा हूँ दिन भर, तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, दिन रात तो आपका नाम लेता हूँ, अब 24 घंटा तो तुम्हारी सेवा में लगा हुआ हूँ है, पर ये कथा सुनने का क्या जरूरत है, है? तो कथा में जो होगा तो ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ। भगवान ने कहा देखो हनुमान जी, अगर तुम कथा सुनोगे ना, जो सेवा तुम कर रहे हो, जो भक्ति कर रहे हो, जो नाम कर रहे हो, उसमें 4 चांद लग जाते हैं, उसमें 4 चांद लग जाते हैं, मतलब है उसमें और विशेष सेवा की, भक्ति की, हरि नाम की, उसमें विशेष भावना आती है, उसमें और रस आती है, इसलिए कथा सुननी चाहिए। तब हनुमान जी ने कहा प्रभु रोज रोज कहते जाओ कथा सुनो कथा सुनो कथा सुनो, ठीक है एक बार चलते हैं कथा सुन के आते। एक दिन कथा सुनने के लिए गए, कहाँ पर, कहाँ घुसन की कथा सुना रहे थे, वहां पर कथा सुनने के लिए जब गए तब उन्होंने कथा में बैठे, कथा में बैठे तो वो प्रसंग में ये था, जब रावण ने सीता को उठा करके ले गया, हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया, बोले दुष्ट माँ सीता को उठा करके ले गया, और हनुमान जी एक छलांग लगाया तो एक छलांग लगा कर पहुंच गया सीता लंका में, और देखा मैया सीता अशोक वाटिका में बड़े दुखी होकर के बैठ हुई है राम चिंता में। इतने में हनुमान जी कौन है, वो स्वयं शिव है, इतने में शंकर जी, वो सब शंकर जी, उनने तीसरे नेत्र खोले और एकदम है अग्नि में पूरा लंका को उन्होंने जला दिया, पूरा लंका उन्होंने जला दी। ये कथा सुना रहे थे, सुनाते समय हनुमान तो वहीं पर बैठ कर कथा सुन रहे थे, अपनी कथा खुद सुन रहे थे। हनुमान जी ने देखा, देखो कितना झूठ बोल रहे, मैं स्वयं बैठा ही यहाँ पर मेरी कथा कर रहे और मेरे सामने मेरी पत्नी को झूठ बोल रहे, बोले एक छलांग लगा कर लंका में पहुंचे गए। अरे जब मैंने लंका में गया रास्ता में राक्षस ही आ गई, तो राक्षस का नाम क्या थी, सिंगिका, और थी जो मुंह खोली, जो मुंह खोली हनुमान जी घुसे और निकल कर आ गए, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, क्या, हाँ सुरेशा वाले, हाँ इसलिए ये हुई। फिर उनने 3 बार तो परीक्षा करते 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 उसने किसी तरह से लंका में पहुंचे।
फिर जब घुसने के लिए चाह रहे थे, फिर लकी नहीं घुसने दे रही थी, फिर देने नहीं रही थी, और एक मुक्का मारकर छक्का छुड़ा दी, जब खून की उल्टी हुई, फिर समझ गया ब्रह्मा जी ने जो बताया था, एक बंदर आकर के जब वो मुक्का मारेगा उससे तू बेहोश हो जाओगे, समझना कि लंका ध्वंस होने वाले हैं, ब्रह्मा जी ने बताया था। उन्होंने ब्रह्मा जी के बात को बोलकर चले गए। फिर उन्होंने विभीषण से साक्षात्कार हुई, फिर विभीषण ने बताया अशोक वाटिका में जाओ, फिर माता जी से मिलने हुई, फिर उन्होंने अशोक जाकर के उन्होंने वाटिका में जाकर के उन्होंने फल खाए, फिर युद्ध हुई, युद्ध करते थे मेघनाद ने बांध करके ले गया, फिर उसके बाद में पूछ में है कपड़े लपटा करके उसमें मिट्टी का तेल डाल करके आग लगाई, फिर उन्होंने लंका जलाया। बोले इतने सारी बात है और ये क्या कर रहे, छलांग लगाया पहुंच गया लंका जला दी। जब कथा विश्राम हो गया घर में वापस आ गए, भगवान राम ने पूछा क्यों हनुमान जी कथा में रस आया कि नहीं, कथा में आनंद आया कि नहीं। बोले क्या बताओ कितने बढ़िया कथा सुनाए, कभी ऐसी कथा सुनी नहीं हमने, हैं क्या कथा सुनाए, भगवान राम तो सब जानते हैं। भगवान ने देखा हनुमान जी के मन में यह शंका आ गया है, हैं क्योंकि काकभूषण जब कथा सुना रहा था उस समय में भगवान केवल राम एक बार नहीं आए, भगवान राम हर ब्रह्मा का एक दिन में एक बार राम आते, एक बार कृष्ण आते, एक बार महाप्रभु। जो काकभूषुंडी कब से काकभूषुंडी, कितना बार भगवान राम आए और कितना बार चले गए, हैं इसलिए गोस्वामी जी वहां पर कहते हैं जो राम की जो कथा है रामायण सतकोटि अपारा। गोस्वामी जी कहते हैं रामायण है सतकोटि, रामायण है एक रामायण है, रामायण सतकोटि अपारा। कोई कथा सुना रहे थे, कोई एक ब्राह्मण भक्त था, वो भक्त ने जब सीता को जब रावण उठा करके ले जाता है, ये कथा को सुनकर कितने दुखी होता था। बोले मैया को ये दुष्ट रावण मेरी मैया को उठा कर ले गया, अशोक वाटिका में रखा और मैया इतने कष्ट भोग करी, रावण ने उठा करके ले गया, हाँ रावण ने उठा करके ले गया। उस बड़ा दुखी होता था, बड़ा रोता था, मैं कैसे सहन कर सकता हूँ जिसको दुष्ट ने उठा करके ले जाएगा। फिर उन्होंने बताया ऐसे कोई रामायण है, ऐसे कोई रामायण है जिसमें रावण मैया सीता को उठा करके नहीं लेकर गया, ऐसे कोई रामायण क्या है। हाँ ऐसे रामायण भी है, वो केरल में कहते, वो केरल में उनको दूसरे भाषा में है, दूसरे भाषा में रामायण है जिसमें रावण को रावण सीता को उठा करके नहीं लेकर नहीं गया, उनकी बड़ी मीठी मीठी बड़ी मधुर मधुर जिसमें सुंदर सुंदर लीला जिसमें रावण लेने का भी बात ही नहीं सुनी। इसलिए बोले रामायण सत्य कोटि अपारा, बोले सत्य कोटि रामायण है, एक रामायण नहीं है, एक रामायण नहीं, चौसठ का रामायण, रामायण और कृतिभासी रामायण भी है, कृतिभासी रामायण, और उसमें आता है ना जो राम जो रामानंद सागर दिखाया, कौन सा रामायण से उसने कथा लिया है, अलग अलग रामायण का नाम देता है, ये रामायण से लिया, इस रामायण से, अलग रामायण से। इसलिए भगवान राम समझ गए, ये तो इनको अंदर में तो शंका आ गया है काकभूषुंडी के ऊपर में। तो उन्होंने भगवान राम उसको प्रूव करने के लिए अपना अंगुल से एक मुद्रिका को निकाला, मुद्रिका को जब निकाली इतने में वो मुद्रिका गिर पड़ा, गिर पड़ा तो राम ने कहा हनुमान जी ये मुद्रिका को उठा करके दे दो। जब हनुमान जी वो मुद्रिका को उठाने के लिए गया, इतने में देखा वो मुद्रिका भाग रहा है, हनुमान में भी बड़ा अभिमान था, सबसे तेज भागने वाला मैं हूं। हनुमान जी वो मुद्रिका को पीछे भागे, भागते भागते वो मुद्रिका जाकर गुफा में प्रवेश किया, सुमेरु पर्वत गुफा में। जब हनुमान उसको लेने गया, इतने में देखा एक वहां बंदर बैठा हुआ। बोले कहां जा रहे हो, तेरा नाम क्या है। बोले मेरा नाम हनुमान। बोले हनुमान इतने कमजोर, इतने कमजोर, हमारे तो अंदर में हनुमान जी बैठे हुए, विशाल काय हनुमान तुम इतने कमजोर कैसे। हनुमान तो चक्र में पड़े गए। बोले और एक हनुमान कहां से आ गया।
मैं तो सोच रहा था मैं अकेला हनुमान, ये दूसरा हनुमान जी कहाँ से आए? हनुमान तो बुद्धिमान है, बोले आपका हनुमान से मैं मिल सकता हूँ, बोले मैं उनको पूछ करके आता हूँ। जब अंदर में गए, बोले कि छोटा सा हनुमान कहीं आया है, वो कहता है मेरा नाम हनुमान है, वो आपसे मिलना चाहते, मिल सकता हूँ, वो सब जानते हैं। बोले उनको बुला करके ले आओ। जब गए फिर वो तो कहा विशाल काय हनुमान, आंखों से आंसू बहाते हुए भगवान राम का नाम ले रहा था, और वो हनुमान आकर के हनुमान से मिले। तो वो जो विशाल काय हनुमान था, बोले हनुमान जी तुमने जो कहा को भूषण जी से जो कथा तुमने सुनी है, भगवान राम एक बार नहीं आए, हर ब्रह्मा का एक दिन में एक बार भगवान राम इस जगत में आते हैं, हैं? इसलिए वो जो काक भुसुंडी कितने बार भगवान राम आकर के चले गए, वो सारे राम की कथा उसको बताए। वो उसी समय जो कथा सुना रहा था वो मेरी कथा सुना रहा था। भगवान राम मेरे को इतने शक्ति दिए थे, मैं एक छलांग लगा कर पहुंचा और मैंने तीसरा नेत्र खुला तो पूरा लंका को मैंने जला दिया था, लंका जला दिया था, और मेरी बात बता रहे थे। इसलिए हनुमान कभी भी काक भूषण की बात पर कभी अविश्वास नहीं करनी चाहिए। इसलिए भगवान ने राम तुमको यहाँ तक भेजे, बोले जाओ वहां से अंगूठी ले जाओ। जब वो अंगूठा लेने के लिए गया, देखा बहुत सारे अंगूठा है वहां पर, बहुत सारे एक सा अंगूठा है, वो तो चक्कर में पड़े गए। बोले एक एक सा बहुत सारे अंगूठा कैसे आ गया, अंगूठी आ गए? बोले हनुमान जी, बोले जब जब किसी हनुमान के मन में शंका आता है ना, भगवान राम उसको यहीं पर भेजते, यहीं पर भेजते हैं। फिर तो हनुमान जी ने प्रतिज्ञा कर लिया। बोले क्या प्रतिज्ञा कर लिया? बोले भैया पहले तो मैं सोच रहा था, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, ये कथा सुनने का क्या जरूरत है, अभी मेरे को पता चला मेरे कुछ भी पता नहीं। इसलिए तब इस श्लोक को व्याख्या कर रहे थे, बोले जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम। हनुमान तब से उन्होंने प्रतिज्ञा की, बोले जहां जहां भगवान राम की कथा होगी मैं उतना रूप धारण करते हुए वहां पर पहुंचूंगा और भगवान राम की कथा में श्रवण करूंगा, है राम कथा। इसलिए भगवान राम कथा, कथा से पहले सबसे पहले हनुमान जी की तस्वीर लगाया जाता है। राम कथा के सबसे बड़े रहस्याश्री हनुमंत लाल जी उतना रूप धारण करते हुए वो कथा को सुनते हैं, है? इसलिए यहाँ पर बताए, बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्य, लेकिन ज्ञानियों में अग्रगण्य होते हुए भी हनुमान जी क्या करते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, क्योंकि कथा कभी पुरानी नहीं होती। इसलिए कभी जो रामायण है, कभी श्री नारद जी ने ये चतुष्सन को ये कथा, उन्होंने ये कथा सुनाई। तब कितना टाइम हो गया, कथा की एक महिमा सुन लेते। जब उन्होंने रामायण रचना कर रहे थे, राम कथा सुनने का क्या महत्व है, हम राम कथा क्यों सुने, राम कथा सुनने का क्या महत्व है, वो दो तीन उसमें वाल्मीकि रामायण में दो तीन उन्होंने कथा सुनाई है। कहते एक कथा सुनाई उन्होंने सुनाए, बोले एक समय कभी ये सौदास नाम का कोई एक ब्राह्मण था, सौदास नाम का ब्राह्मण, कभी ये बड़े ब्रह्मनिष्ठ है, सदाचार संपन्न, सारे सद्गुण संपन्न, सारे सद्गुण उनका अंदर में नीत है। तब उन्होंने उनका जो गुरुजी थे, उनका गुरुजी का नाम था श्री गौतम ऋषि थे, हाँ, उनने गौतम ऋषि से उन्होंने दीक्षा मंत्र लेकर के उन्होंने भजन साधन किया और उनका आश्रम में रह करके सारे उन्होंने भजन पद्धति को उन्होंने सब कुछ उन्होंने श्रवण किया और सब कुछ उनसे सीखा ग्रहण की। एक समय ये सौदास ब्राह्मण ये शंकर जी की पूजा कर रहा था। शंकर जी की पूजा करते समय इतने में गौतम ऋषि वहां पर आए। जब गौतम ऋषि आए उस समय पूजा कर रहे थे शंकर जी की, तो उनने देखा गुरु जी आए हैं, तो बोले तो मैं तो अभी तो मैं शंकर जी की पूजा कर रहा हूँ, ये शंकर जी से थोड़ी बड़े गौतम है, आए गुरु जी बैठ जाएंगे कोई बात नहीं, जब शंकर जी की पूजा मेरी हो जाएगी ना, खत्म हो जाएगी, फिर गुरु जी को मैं फिर आदर दे दूंगा। ये चीज को देख करके वो शंकर जी का जो पूजा कर रहे थे ना, शंकर जी को ये चीज सहन नहीं हुआ, शंकर जी को ये चीज सहन नहीं हुआ। बोले गुरु जी आए तुम्हारी और तुम मेरी पूजा कर रहे हो, अब गुरु तो अपने आप बैठ जाएंगे, जिनसे तुमने दीक्षा मंत्र ली
जिनके अनुगत्य में तुमने ये सारे साधन भजन को तुमने सीखा है, हैं? और कहते वो बैठ जाएंगे और तुम मेरी पूजा कर रहे हो। शंकर स्वयं प्रकट हुए, प्रकट होकर उनका अभिशाप दिया, उनका अभिशाप दिया, जाओ तुम राक्षस कुल में तुम जाओगे, राक्षस जन्म तेरे को प्राप्त होगा, अभिशाप दे दिए। जो अभिशाप दे दिए, उन्होंने देखा जिनको मैं पूजा कर रहा था, हैं? जिनको मैं पूजा कर रहा था वो स्वयं अभिशाप दे रहे हैं, तुमने गुरु जी का अपमान किए हो, इसलिए तुम राक्षस कुल में जाओ, इसलिए मेरे अपराध हो गया। तब उन्होंने क्या की, खड़े होकर के गुरु जी की चरण में गिरे, शंकर जी की चरण में गिरे, बोले मेरी अपराध हो गया, माफ कर दो। तो यहाँ पर शिक्षा क्या देते हैं, इसलिए गोस्वामी जी कहते ना, बोले गुरु गोविंद दो खड़े और काक लाग पाओ, बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद दे बताए। कहते अगर भगवान, अगर गुरु जी अगर खड़े हो तो फिर किसकी चरण में पहले पूजा करनी चाहिए, किसके चरण की, बोले पहले श्री गुरु जी के चरण में प्रणाम करनी चाहिए, गुरु जी के प्रणाम करके फिर क्या करनी चाहिए, फिर भगवान को चरण में प्रणाम करनी चाहिए, है? इसलिए प्रथम तो गुरुं पूज्यं ततश्चैव ममार्चनम्, कुर्वन् सिद्धि माप्नोति जनता निष्फल भवति। प्रथम तो गुरुं पूज्यं, सबसे पहले गुरु जी की प्रणाम करो, ततश्चैव ममार्चनम्, कृष्ण कहते हैं उसको बाद में फरी मेरी अर्चना करनी चाहिए। अगर नहीं करके अगर अन्यथा करोगे तो कहते तुम्हारी सेवा पूजा सबके सब तुम्हारी निष्फल हो जाएगा। यहाँ शिक्षा देते हैं, हाँ देखो यहाँ एक शिक्षा देते हैं, जो ये भक्ति जगत है ना, कहते भक्ति जो जगत है ये कौन सा जगत है, कहते ये भक्ति जगत है, ये शिक्षा देता है हर समय हम लोग ऋणी है, हम लोग कृतज्ञता कर स्वीकार करनी चाहिए। कहते भक्ति जगत में जिनको कोई कृतज्ञता नहीं है, कहते भैया भक्ति जगत में अधिकार है नहीं, भक्ति जगत को अधिकार है नहीं। हमें जो भक्ति जगत में थोड़ी सी भी कोई मदद करे, इसलिए बताए ना गुरु कितने तरह का गुरु, चार तरह का गुरु बताए, पहले कौन है जो ब्रह्म प्रदर्शक गुरु, उसको बाद में फिर दीक्षा गुरु है, फिर शिक्षा गुरु, फिर अंतर्यामी गुरु है, हैं? इसलिए वो चार तरह का गुरु है, इसलिए इसलिए हमारे भक्त विनोद ठाकुर कहते ना, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करे दासे त्रिना पेक्षा अति हीना, आ सकल सहनी बल दिया कर निज माने स्प्रिहा हीना, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करे दासे त्रिना पेक्षा अति हीना, सकले सन्मान करिते सकति देहनाथ जता जता, तबे त गाइब हरि नाम सुखे अपराध हवे अत, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करे दासे त्रिना पेक्षा अति। भक्त मनु ठाकुर कहते हैं गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कर ऐदा से हैं त्रिणा अपेक्षा अतिहीन, हमें तृण से भी हमें दीनहीन बनाओ, जैसे सबको जथाजुग, जैसे हम सबको सम्मान दे सके, हैं? जथाजुग हमें सबको आदर करनी चाहिए, जिससे हमें भक्ति जगत में जिसको जितने हमें जिससे मदद मिला है, ऐसे नहीं कुछ गुरुदेव हैं, गुरुदेव से कुछ शिक्षा मिला, गुरुदेव कुछ सीख गए, बस गुरुदेव से हम थोड़ी सीख गए, बस गुरुदेव गुरुदेव कोई जरूरत नहीं, वैष्णव वैष्णव को एक तरफ में कर दिया। इसलिए बावन गोस्वामी महाराज कहते थे की छीनो और की होनो, बावन गोस्वामी महाराज कहते की छीनो और की होनो, मतलब है मैं क्या था और मैं क्या बन गया, मैं क्या था और मैं क्या बन गया। इसलिए कहते भक्ति जगत में है, भक्ति जगत में क्या है, कहते कृतज्ञता को स्वीकार करनी चाहिए, कहते भक्ति जगत में कृतज्ञता सबसे बड़ी चीज, कृतज्ञता है। और जो अकृतज्ञ है, हैं? जो अकृतज्ञ, अकृतज्ञ मतलब किया हुआ भलाई को जो बाद में भूल जाता है, इसलिए कभी भी हमें कभी भी
गुरु वैष्णव को है, जिनसे हमें जो कुछ चीज मिला, जिससे जितना हमें उपकार मिला, उनसे हर समय उनसे हम ऋणी बन करके उनका ऋणी को हमें स्वीकार करनी चाहिए, है ऋणी, हर समय हमें ऋणी रहनी चाहिए। तो भगवान भी हमें आदर देते, अगर ऋणी तो कुछ स्वीकार नहीं किया, भगवान हमें, भगवान ही ठुकरा देगा, हमें भगवान ही ठुकरा देंगे। बोले जिसने तुमको भक्ति में लाए, भजन में मदद किया, सब कुछ किया, दो दिन बाद तो उनको ही भूल गया, तो मेरा क्या भजन करोगे, मेरा क्या, भगवान ही हमें लात मार देंगे ठाकुर जी, हैं, ठाकुर ही हमें लात मार देंगे। इसलिए कभी हर समय हमें कृतज्ञता स्वीकार करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने बोले जाओ तुम राक्षस जन्म में जाओ, लेकिन उन्होंने समझ गए मैंने गलती की है, गुरु जी आए, गुरु जी को मैंने अपमानना की है, हैं, इसलिए मेरी अपराध हुई है। फिर उनने चरण पकड़ करके माफी मांगी, माफी मांगे तो शंकर जी कौन है, कदी वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव में अग्रगण्य श्री शंकर जी। इसलिए कहते संतों का हृदय कैसे है, कहते ना संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि ने पर कहते जो भक्तों का संतों का हृदय बोले नवनीत समाना, इनका हृदय मक्खन जैसे हैं, कहते मक्खन से भी ज्यादा कोमल, बोले क्यों, कहते ये मक्खन कब पिघलता, जब सूर्य का किरण से गर्मी पाने पर, कहते गर्मी पाने पर पिघलता है मक्खन, लेकिन संतों का हृदय पर दुख द्रव ही संत पुनीता, दूसरों को दुख देख करके संतों का हृदय, वैष्णव का हृदय द्रवीभूत हो जाता है। इसलिए कहते मक्खन से भी ज्यादा कोमल भक्तों का हृदय। जब उन्होंने माफी मांग लिया, हैं, वैष्णव चरण में माफी मांग लिया, अपराध को समझ गए, तो गुरु जी शंकर जी बोले ठीक है, अभिशाप तो दिया तुमको, लेकिन ये सर्वकालीन नहीं, तत्कालीन, कुछ समय के लिए। बोले कितना दिन के लिए, बोले 12 साल के लिए, 12 साल के लिए तुमको राक्षस बनना पड़ेगा, हैं, ये राक्षस बन गया, अभी भयंकर राक्षस बना, अभी वो चला गया, बोले कहां, बोले नर्मदा नदी किनारे में गया, और वहां पर विशाल यज्ञ था, विशाल जंगल था, जनशून्य जंगल था, और वहीं पर उन्हें राक्षस बन कर रहा, और उसने ऐसे भयंकर राक्षस बना, कहते जो जीव जंतु मिलता था, हाथी शेर बाघ सबको पकड़ पकड़ के खा जाता था, सबको पकड़ पकड़ के खाया, और उसने बोले 6 महीना में 400 क्रोश जंगल को जनशून्य कर दिया, जानवर से खत्म कर दिया, इतने भयंकर उसने राक्षस बना। और वहां पर जब 12 साल बीता, एक दिन क्या हुआ, एक ब्राह्मण था, साधु ब्राह्मण, कहां है का, बोले उड़ीसा का कलिंग देश, वहां पर आता है, कलिंग देश का ब्राह्मण था, हैं, कहते कलिंग देश का नाम था ब्राह्मण, उसका नाम था गर्ग, हैं, एक समय वो हमारे कलिंग देश का था, एक समय अपना कंधे पर गंगा जल था, वो गंगा जल लेकर के और भगवत नाम उच्चारण करते हुए, भगवान राम का नाम लेते हुए, राम भक्त था, भगवान का राम का नाम लेते हुए वो कीर्तन करते 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 जा रहा था, और उसको जब देखा, वो राक्षस ने देखा, देख करके ना उसको पीछे खाने के लिए उसको दौड़ा, लेकिन जब खाने के लिए दौड़ा, जब उसको जाकर उसको पकड़ा, पकड़ते ही वो कौन था, वैष्णव, नंबर एक में था ब्राह्मण घर में, फिर था वैष्णव, और ब्राह्मण वैष्णव का कितना महत्व है, कितने महत्व है, वहां पर बताए ना, गंगा र पर सहले पश्चाते पावना दर्शने पवित्र कर तो मार्ग हरि स्थान अपराधे तारे हरि नाम तुम स्थान अपराधे नहीं कैडान। इसलिए एक तो वैष्णव है, वैष्णव दर्शन, दर्शन है पवित्र, गंगा में स्नान करने पर पवित्र, लेकिन वैष्णव दर्शन मात्र से, फिर दर्शन नहीं, वैष्णव स्पर्श, वैष्णव स्पर्श। इसलिए चैतन्य भागवत में तो बताया, एक वैष्णव जहां जन्म ग्रहण करता है, बोले त्रिकोटी कुलर है श्री वैकुंठवास,
एक वैष्णव कहीं जन्म ग्रहण करता है भैया कहते 3 करोड़ है हमारे नरसिंह भगवान क्या कहते बोले त्रि सप्त भी पिता पुत्र वो तो कहते 21 लेकिन ये चैतन्य भागवत में कहते त्रिकोटि कुलेर बोले 3 करोड़ कुल का पवित्र हो जाता है जिस वंश में एक वैष्णव जन्म ग्रहण किया है। और हमारे उसमें भक्तमाल ग्रंथ में बताया बोले वहां पर बताया उसमें 121 वंश उधार हो जाता है जिस वंश में एक वैष्णव जन्म ग्रहण करे उसमें दिया पिताजी का कुल में कितना उसमें दिया है माता जी का कुल में कितना तुम्हारी बुआ जी कुल में कितना फूफा जी का कुल में कितना वहां पर हिसाब दिया इतना मिला करके 108 ना कितना बताए इतने कुलों का कल्याण हो जाता है। और दूसरे जगह में क्या बताया बोले उत्तम वैष्णव है जहां पर उत्तम वैष्णव उनको 21 और मध्यम का 14 और कनिष्ठ का 7 है 7 इनकी वंश का इनकी उधार हो जाता है। इसलिए कहते एक वैष्णव का इतने महत्व है चैतन्य भागवत में श्लोक याद नहीं हम लोग याद करना हम तो बूढ़े हो गए अभी याद नहीं हो रहे इसलिए वो कहते वो जो ऐसे हाथ उठाकर नृत्य करता है हाथ उठाकर नृत्य करता है स्वर्ग लोक में देवताओं का कल्याण होता है उनका अमंगल भाग जाती है। और वो जो कृष्ण प्रेम में जब नृत्य करते हुए जो पृथ्वी के जब चरण स्पर्श पृथ्वी को प्राप्त होती है पृथ्वी अपने आप को धन्य धन्य मानती है एक साधु का चरण स्पर्श हो रहा है। और जो प्रेमयी दृष्टि से क्योंकि उनको जो आंखों में क्या है बोले प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन उनका आंख साधारण नहीं प्रेम रूपी आंख में अंजन लगा हुआ जितने दूर तक उनका दृष्टि जाता है जितने दूर तक उनको दृष्टि चली जाती है वो दृष्टि से चतुर्दिग कल्याण कल्याण हो जाता है मंगल मंगलमय हो जाता है। मतलब एक शुद्ध वैष्णव का इतने महत्व कहते उसको कितना चीज मिला एक साथ में 3 चीज मिली क्या 3 चीज क्या मिला एक तो वैष्णव दर्शन मिल गया वैष्णव दर्शन दर्शन केवल नहीं केवल दर्शन पवित्र करे ये तो मार्ग गुण केवल दर्शन नहीं वैष्णव स्पर्श भी हुआ उसको वैष्णव स्पर्श भी हो गया है एक वैष्णव स्पर्श हो गया। एक समय कथा कर रहे थे बोले कोई एक जंगल था वो जंगल में भूत लोग रहते थे जंगल में भूत लोग रहते थे क्या हुआ किसी वैष्णव का उसी जंगल में किसी वैष्णव का दाह संस्कार किया जब दाह संस्कार किया वो दाह संस्कार से जो धुआं निकली ना पूरा जंगल में पूरा धुआं धुआं वैष्णव संस्कार से सरस धुआं धुआं चला गया तो कभी जंगल में जितने भूत थे सबके सब उधार हुए लेकिन बाई चांस एक भूत उसी समय वो किसी काम में बाहर गया हुआ था लेकिन जब वो बाहर से जब वो जंगल में आया ना देखा उसका परिवार में कोई है नहीं पूरा परिवार खाली बोले भैया ये हमारे जो परिवार गए कहां से कोई है नहीं देखा कोई वैष्णव को वहां पर दाह संस्कार किया उसको धुआं है देखो इतने पवित्र उसका धुआं से ही पूरा भूत उधार हो गए बोले भैया मैं अकेला रह गया मैं क्या करूं कहते जहां पर संस्कार किया था ना वो वैष्णव का शरीर का पड़ा हुआ था राख पड़ा हुआ था वो उस राख में जब उन्होंने लोट पट उठाया उसका भी उधार हो गया उसका भी उधार मतलब वैष्णव का जो शरीर है ना वैष्णव शरीर अप्राकृत सदा वैष्णव का शरीर अप्राकृत है इतने महत्व वैष्णव इसलिए वैष्णव दर्शन दूसरा ना क्या है उनको मुंह से क्या निकल रहा था भगवान का नाम निकल रहा था ठाकुर जी के नाम जप कर रहा था वैष्णव था भक्त था ब्राह्मण था इसलिए उसको जो नाम एक तो उसको कान में भगवान की नाम पड़ा बोले तीसरा चीज क्या उसको कंधे पर था गंगा जल उसको कंधे पर गंगा जल था जब उसको पकड़ा ना वो पकड़ते ही क्या हुआ एकदम वो गंगा जल छिटक छिटक करके उसको ऊपर में वो गंगा जल स्पर्श हुआ 3 चीज एक साथ में उसको प्राप्त हो गया वो प्राप्त होते ही उधार। इसलिए गुरुदेव कथा सुनाते ना है बोले एक समय कोई एक ओझा था वो जा रहा था देखा कुछ भूत लोग बैठे करके बैंड पार्टी बजा बज रही है और बड़ा उत्सव मना रहे ओझा ने देखा देख करके वो मंत्र जानता था बुलाया एक भूत बदिदरा बोले क्या बात आज इतने उत्सव क्यों हो रहा है बोले कल हमारी एक शादी है बोले किस चीज की शादी है बोले एक लड़की है एक लड़की कुंवारी अवस्था में उसने शरीर छोड़ा इसलिए शादी नहीं हुई थी
वो शरीर छोड़ा, इसलिए प्रेतात्मा बनकर के पत्नी बनकर के आई, लेकिन वो तो कुंवारी अवस्था में, अभी उसको शादी नहीं हुई। बोले कल शादी कैसे होगी? बोले कल तो साढ़ो में लड़ाई होगा, जब लड़ाई का तो ना साढ़ो में, उसी समय में एक जवान, वो साढ़ देखना जब लड़ते हैं ना, ऐसे भिड़ जाते हैं, घंटे घंटे तक लग रहे थे, कोई किसी को छोड़ने तैयार नहीं होते, कोई नवजवान लड़का उसको छुड़ाने के लिए जाएगा, और वो साढ़ तो गुस्से में रहे होंगे, उतने में उसको पेट में मारेंगे, सींग से मारेंगे तो पेट फट जाएगा, वो प्राण त्याग करेगा, अपमृत्यु होगा, वो मर करके कल प्रेत बन करके आएगा। ये भूतों को सब बात पता है, ये भूतों को सारी बात पता है, इसलिए वो कल मरेगा, प्रेत बन करके आएगा, इसलिए इसलिए अभी जवान, उसको शादी नहीं हुई, ये लड़की की शादी नहीं हुई, कल ये दोनों की शादी होने वाले, इसलिए आज हम पार्टी मना रहे। बोले ऐसी बात? बोले हाँ, उन्होंने सचमुच से पता लगाया, घटना सही हुई, एकदम सही घटना, दोनों साढ़ में लड़ाई हुई, एक जवान छुड़ाने के लिए गया तो मारा तो उसको, पेट फाड़ दिया, मरा है। फिर दूसरे दिन जब उधर से जा रहा था, देखा वो सब बैठे बैठ कर रो रहे थे। बोले भैया तुम लोग रो रहे क्यों? मैंने तो पता लगाया सारी घटना तो सही घटी हुई, पर रो रहे क्यों? बोले बीच में एक अनहोनी हो गई। बोले क्या हुआ? बोले देखना, जब साढ़ का सींग में खुजली मचती है ना, वैसे मिट्टी को कुदरते, मिट्टी को खोदते हैं। वो एक साढ़ ने वो गंगा किनारा में अपना सींग से मिट्टी को खोदा था, और उसका सींग में लगा हुआ था गंगा रज, और वो सींग ने जब उसको मारा सींग से पेट में, वो मरते समय केवल गंगा का रज केवल स्पर्श हो गया, तो वो प्रेत क्या बनेगा? सीधा भगवत लोक में चला गया। इसलिए बोले हमारी जो बेटी था ना, कुंवार के कुंवार रह गई, इसलिए आज हम लोग रो रहे। गुरुदेव ये कथा सुनाया करते थे, बोले इतने महिमा गंगा की, ये कथा गुरुदेव कहाँ सुनाते थे? मधुद्रम द्वीप में है, गुरुदेव रहते समय ये कथा सुनाया करते, मधुद्रम द्वीप में गंगा की इतने महिमा। और दूसरी कथा क्या सुनाते थे? कोई एक सर्प गंगा किनारे में वो बिल में मुंह ऐसे बाहर करके रखा था, ऊपर में गरुड़ जा रहा था, गरुड़ देख करके मारा पंजा, पंजा उसको पकड़े, पकड़ के जब उनके खींचा, खींचते थे मैं उसको प्राण निकले गया, लेकिन वो प्राण निकलते समय उसका पूछ गंगा पानी में स्पर्श हो गया, क्योंकि वो गंगा किनारा में ही उसमें था वो सर्प, लेकिन जब उसका पूछ केवल गंगा पानी में स्पर्श हुआ, गंगा स्पर्श होते ही वो तो चतुर्भुजधारी विष्णु दूत बन गया। हाँ, चतुर्भुज धारण कर लिया, गरुड़ ने देखा मैं इसको खाऊंगा क्या, तो चतुर्भुज बन गया, उसको पीठ में बैठा करके उसको बैकुंठ ले जाना पड़ा, उसको बैकुंठ ले जाना पड़ा, इतने गंगा की इतने महिमा। कहते इसको एक साथ में तीन चीज मिली, इसको वैष्णव दर्शन स्पर्शन, गंगा पानी का स्पर्श और भगवत नाम, ये तीन चीज एक साथ में मिला तो उसने क्या हुआ, प्रेत शरीर से मुक्ति मिल गया है, प्रेत शरीर से मुक्ति मिली, मुक्ति, हाँ, राक्षस जन्म से उसको मुक्ति मिली, मुक्ति मिल करके सुंदर रूप धारण किया। तब उन्होंने बोले मेरी उद्धार कैसे होगा, राक्षस जन्म से तो उसने है, राक्षस जन्म से तो उद्धार हो गया, बोले मुक्ति कैसे? बोले रामायण कथा सुनो। फिर वो जो ब्राह्मण ने उनको श्री राम कथा सुनाई, राम कथा से ही उनको, जब राम कथा पूरी रामायण कथा सुनाई 9 दिन तक, उसको बाद में उसको बड़े सुंदर विष्णु मूर्ति रूप धारण किया, और विमान आया कहां से, वैकुंठ से विमान आया, और बैठ करके उन्होंने भगवत लोक को गमन किया। इसलिए कहते वाल्मीकि जी जब ये रामायण लिख रहे हैं, और लिखने से पहले सारी कथा सुना रहे हैं, ये राम कथा से किसको किसको मुक्ति मिली, और ये कथा सुनने से हमें क्या फल मिलेगा। जब उन्होंने कथा सुनाए को नारद सुनाए, किसको सुनाए? चतुसन को। चतुसन तो प्रसन्न हो गए, बोले इतना महिमा राम नाम की, गंगा वैष्णव दर्शन की राम कथा की इतना महिमा, बोले और कोई कथा है क्या? राम कथा सुन करके और किसकी कल्याण हुई? और भी कथा, बोले और भी कथा है। तो उन्होंने फिर द्वापर युग की कथा सुनाए, हाँ तृतीया, फिर द्वापर युग की कथा सुनाए। वो क्या कथा सुनाएंगे हम, फिर उसको सुनेंगे। द्वापर युग में राम कथा सुन करके किसका कल्याण हुआ है, ये कथा को कल हम लोग सुनेंगे, ठीक है? निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि गौर। बोले शिष्यावर रामचंद्र की जय।
बोले हरे कृष्ण ये सारी कथा है ना, आप लोग अगर नोट कर लोगे ना पूरा रामायण, कभी जाओगे अगर कहीं राम कथा सुनाओगे ना, अब पता नहीं होगा राम कथा। मैं भी कहीं फंस गया था विदेश में जाकर के, हैं मैं वहां पर गया, मैंने सुना भागवत कथा सुना दूंगा, वहां जाकर मेरे को वहां पर हला।